उदाहरण 8, यदि टेन थीटा धन साइन थीटा बराबर एम और टेन थीटा ऋण साइन थीटा बराबर एन हो तो सिद्ध कीजिए कि एम की घात 2 ऋण एन की घात 2 बराबर 4 गुणा वर्गमूल एम एन। हल दिया है कि m बराबर टेन थीटा धन साइन थीटा, उसी तरह से n का मान दिया हुआ है टेन थीटा ऋण साइन थीटा। अब कहीं हम m और n का योग करते हैं, जोड़ते हैं m धन n, तो हमें प्राप्त होगा धन साइन थीटा और ऋण साइन थीटा, तो कट जाएगा जोड़ने पर, टेन थीटा धन टेन थीटा बराबर 2 टेन थीटा होगा। उसी तरह से हम m दोनों समीकरण में m और n में दोनों समीकरणों को घटाएंगे तो m ऋण n बराबर हमें प्राप्त होगा घटाने पर टेन थीटा ऋण टेन थीटा कट जाएगा और यहाँ पे घटाने पर ये धन चिन्ह हो जाएगा, तो साइन थीटा धन साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा में प्राप्त होगा। अब हम ये इस समीकरण m धन n बराबर 2 टेन थीटा और m ऋण n बराबर 2 साइन थीटा दोनों का गुणा करेंगे, तो कोष्टक में हम लिखेंगे m धन n और m ऋण n बराबर 2 दुनी 4 साइन थीटा गुणा टेन थीटा, ये हमारा समीकरण 1 है, इसे हम 1 मान लेते हैं। अब हम पुनः m का मान m बराबर टेन थीटा धन साइन थीटा और n बराबर टेन थीटा ऋण साइन थीटा, इसमें दोनों समीकरण को गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर हमें m गुणा n बराबर प्राप्त होगा कोष्टक में, पहले कोष्टक में टेन थीटा धन साइन थीटा और दूसरे कोष्टक में हमारे पास प्राप्त होगा है टेन थीटा ऋण साइन थीटा बराबर, यहाँ पे हम सर्वसमिका का प्रयोग करेंगे a धन b a ऋण b, इसका मान होता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग, तो ये बन जाएगा टेन की घात 2 थीटा ऋण साइन की घात 2 थीटा। अब क्योंकि हम जानते हैं कि टेन थीटा का मान जो होता है वो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, तो टेन की घात 2 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन की घात 2 थीटा बटा कॉस की घात 2 थीटा ऋण साइन की घात 2 थीटा को हमने ऐसे लिखा बराबर, यहाँ हम लघुत्तम निकालेंगे कॉस की घात 2 थीटा, तो यहाँ बचेगा साइन की घात 2 थीटा ऋण, यहाँ आएगा साइन की घात 2 थीटा गुणा कॉस की घात 2 थीटा। अब यहाँ पे हम अंश में साइन की घात 2 थीटा को उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं, तो कोष्टक में हमारे पास बचेगा 1 ऋण कॉस की घात 2 थीटा बटा कॉस की घात 2 थीटा। आगे हम अगले पृष्ठ में देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं, हमें प्राप्त था साइन की घात 2 थीटा कोष्टक में 1 ऋण कॉस की घात 2 थीटा बटा कॉस की घात 2 थीटा बराबर साइन की घात 2 थीटा
गुणा, हम जानते हैं कि एक ऋण कॉस की घात दो थीटा जो होता है वो होता है साइन की घात दो थीटा बटा कॉस की घात दो थीटा, बराबर ये है हमारे पास साइन की घात दो थीटा, और हम जानते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा होता है, और हमारे पास साइन की घात दो थीटा बटा कॉस की घात दो थीटा है, तो ये बन जाएगा टेन की घात दो थीटा। तो इस तरह से हम चार गुणा एम एन, चार गुणा वर्गमूल एम एन का मान लिख सकते हैं, चार वर्गमूल हमने अभी यहाँ जो प्राप्त किया था एम गुणा एन का मान ज्ञात किया है, तो एम एन का मान जो है, ये एम एन का मान जो है ये हमने प्राप्त किया साइन की घात दो थीटा गुणा टेन की घात दो थीटा बराबर चार वर्गमूल, साइन का वर्ग दो थीटा जो है साइन थीटा हुआ, और वर्गमूल से वर्गमूल टेन की घात दो थीटा को हम बाहर निकालेंगे तो टेन थीटा निकल जाएगा। अब हमने देखा कि एम की घात दो ऋण एन की घात दो बराबर चार वर्गमूल एम एन का मान समान है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि चार गुणा वर्गमूल एम एन बराबर एम की घात दो ऋण एन की घात दो। हमने यह समीकरण एक से हमने प्राप्त किया है, या हम लिख सकते हैं कि m की घात दो ऋण n की घात दो बराबर चार वर्गमूल m n, यही हमें सिद्ध करना था, यही इस उदाहरण का हल होगा।